يا أمي يا أمي جدي कहीं हीर तुझे काले रंग का ताना तो नहीं देती? तू रगड़ रगड़ के मुंह धोता है। या उम्मी, तू तो शुक्र कर तेरा बेटा बच गया। कहां से बच गया? कुत्ता पड़ गया था तेरे पीछे। ला या उम्मी, हीर की टेस्ट रिपोर्ट्स देखिए, हीर को हेपेटाइटिस है, हीर मरने वाली है। हीर मरने वाली है? अरे पहले ही तेरा दिमाग खराब था, अब तो मुझे लगता तू पागल हो गया। या उम्मी, मैंने हीर का खुद जबरदस्ती टेस्ट करवाया है। हीर को वही बीमारी निकली जो होती बीवी को है और खावन मर जाता है। और तू तो अभी पिछले दिनों ऐसा ही अफसोस करके आई है ना। आयो मेरे रब्बा, इतना बड़ा धोखा हमारे साथ। आई वया उम्मी, तेरे बेटे ने हीर को प्यारा बाद में होना था, अल्लाह को पहले प्यारा हो जाता। शक्ल से तो बड़े मासूम और सीधे साधे लोग लगते थे। चल मेरे साथ उनके घर चलते हैं, बात करके आते हैं उनसे। ला या उम्मी, अब उनके घर जाने का क्या फायदा, बस अब तो खलास। या उम्मी, मेरी नब्ज चल रही है क्या? चल रही है। अरे कैसे खलास, कैसे सब खत्म हो गया? इतने कीमती तोहफे दिए थे हमने उनको, और तो और तूने वो दुबई वाला मोबाइल, वो भी तफला तू उनको गिफ्ट कर दिया था ना, वो तो वापस लेना बनता है। नाम या उम्मी, मैंने तो इतनी महंगी सोने की अंगूठी भी दी है और महंगे कपड़े भी, वो उनसे वापस ले लेते हैं, आगे काम आएंगे। चल तू आ मेरे साथ। या उम्मी, मैं ज्यादा तैयार होके आ जाऊँ। रिश्ता तोड़ने जा रहे, तुझे तैयारी की पड़ी हुई है। तू ऐसा कर, घोड़ी भी बुला ले और बैंड बाजे वाला भी, घोड़ी पे बैठ के चलते है। हाँ लेकिन या उम्मी, इतने कम टाइम में मैं ये सब कुछ कैसे करूंगा? अरे मेरे रब्बा, ये लड़का तो वाकई पागल हो गया है। आ जा मेरे साथ। या उम्मी, लेश हाजा नमूना,